आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जो कि रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष जो हैंड बैंड की तरह पहनते हैं, गले में भी पहनते हैं, वो साथ में क्रिस्टल से बॉल्स होते हैं। तो सवाल यह है कि क्रिस्टल के साथ रुद्राक्ष पहनना कितना सही है या गलत। कि क्रिस्टल की तासीर होती है, उसका जो गुणधर्म होता है और जो रुद्राक्ष से गुणधर्म होते हैं ये अलग अलग है। जैसे दूध और दही दोनों की तासीर अलग अलग है। दूध और दही को मिला देंगे तो ना तो दूध तो दूध रहेगा ही नहीं, वो तो फिर दही बन जाएगा, तासीर बदल गई। तो यदि आप इस प्रकार से जो आपका क्रिस्टल्स है उसको यदि रुद्राक्ष साथ में पहनेंगे तो ये रुद्राक्ष को हानि कर सकता है, क्योंकि जो पल्सेटिंग वोल्टेज होते हैं, आप जानते हैं इसमें अग्नि तत्व होता है, आप क्रिस्टल्स को यदि रगड़ेंगे ऐसे तो उसमें से आग निकलती है। तो इसका जो स्वभाव है, तासीर है, गुणधर्म है, एकदम विपरीत है जो कि रुद्राक्ष का होता है। रुद्राक्ष क्या करता है, आपको शांत करता है। रुद्राक्ष की तासीर क्या होती है कि आपके उत्तप्त शरीर को ये शांत करेगा, या यदि आपका शरीर बहुत ठंडा है तो उसको हल्का सा गर्म भी करेगा। तो रुद्राक्ष एक बैलेंसर है, क्रिस्टल जो है ये बैलेंसर्स नहीं है। क्रिस्टल का इस्तेमाल ज़्यादातर और चक्र साधना जो लोग करते हैं, जो अलग अलग चक्र हैं उसको भी बैलेंस करने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर ये बैलेंस करने के लिए किया जाता है क्योंकि यदि आपका जो एनर्जी सेंटर्स हैं ये एकदम ही डैम्पेंड है, मतलब एकदम ही मृत अवस्था में है, मतलब गंभीर रूप से ये शक्तिहीन है, तो आपको हीलिंग करते समय अलग अलग चक्रों में क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय रुद्राक्ष धारण ना करें, जब आपकी हीलिंग चल रही हो क्रिस्टल से, उस समय रुद्राक्ष धारण ना करें, बाद में रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप। तो ये एक स्पेसिफिक ढंग से क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन माला में यदि आप साथ साथ जोड़ेंगे, एक एक रुद्राक्ष है फिर एक क्रिस्टल्स हैं, या दो रुद्राक्ष हैं फिर एक दो क्रिस्टल्स हैं, तो इस प्रकार से यदि आप संजोगे उसको साथ में रखेंगे तो ये एक दूसरे से इंटरफेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं हरदम कहता हूँ कि क्रिस्टल्स को जेमस्टोन के साथ में मत पहनिए, क्रिस्टल्स को रुद्राक्ष के बीड्स के साथ में मत पहनिए। कई लोग ये भी देखा है मैंने कि रुद्राक्ष को जेमस्टोन के साथ ही पहन लेते हैं, जेमस्टोन्स मानिए कि पन्ना के साथ में रुद्राक्ष पहन लिए, लेकिन पन्ना तो आप तभी पहनोगे जब आपके बुध ग्रह आपके चार्ट में अच्छे हैं लेकिन कम पावर के हैं। यदि बुध ग्रह आपके चार्ट में अच्छे नहीं है तो पन्ना पहनेंगे तो आपको हानि करेगा, तो कैसे पहनेंगे पन्ना आप। तो कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है, या ग्रीड कहूँगा मैं, ये समझते हैं कि 15वां के रुद्राक्ष होता है बुध के लिए, वो भी पहन लेता हूँ और पन्ना ही पहन लेता हूँ तो बुध में एकदम ठीक हो जाएगा। ज़्यादा अति करना ठीक नहीं है। उदाहरण के तौर पे यदि आप पहले ज़माने में स्कूटर जो आते थे ना उसमें टूटी ऑयल डलती थी, तो एक लीटर पेट्रोल में 20 ml का टूटी ऑयल डलता था। आप समझेंगे यार ये टूटी ऑयल जो है इंजन को तो अच्छा लगता है ना, तो मैं क्यों ना 1 लीटर में 100 ml डाल लूँ, तो ये आपको इंजन का हानि करेगा। लोभ हो गया, ग्रीड हो गया, मतिभ्रम हो गया आपका, मतिभ्रष्ट हो गया, एक्चुअली मतिभ्रष्ट हो गया। तो इस प्रकार से लोभ के कारण में कई बार लोग जेमस्टोन को रुद्रा के साथ मिलाकर पहन लेते हैं। यदि रुद्रा के साथ में जेमस्टोन को पहनना है तो आपको सही परामर्श की जरूरत है। सबसे पहले तो मानिए आपके शनि बैठे हुए हैं कार्यक्षेत्र में बैठे हुए, मानिए तो वहाँ से बैठे बैठे कहाँ कहाँ देखेंगे, ये चौथे घर को भी देखेंगे, 12वें घर को देखेंगे, चौथे घर को देखेंगे और सप्तम भाव को भी देखेंगे, 7वें घर को भी देखेंगे। तो शनि के लिए तो आप नीलम पहन लिया तो क्या करेगा, कार्यक्षेत्र में तो उन्नति देगा आपको, लेकिन आपके जीवन में क्या करेगा, ये अकेला अपन पैदा कर देगा, और 7वें घर को देख के शादी में अकेला अपन पैदा कर देगा, निरसपन पैदा कर देगा। तो ऐसे में आपको पहनना चाहिए स्त्रमुखी रुद्राक्ष। तो कुछ लोग कहते हैं सर मैंने तो नीलम खरीद लिया, पहले पहन ही रहा हूँ, अब क्या करूँ मैं। तो मैं कहता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए उसको उतार दीजिए, 17 मुखी पहन लीजिए, 3-4 महीने उसको उतार कर रखिए, 17 मुखी पहन के आज्ञा चक्र की साधना कीजिए। जब एनर्जी एक बैलेंस स्टेट में आ जाएगा और रुद्राक्ष जैसे एक टोटल बैलेंसर के रूप में काम करेगा, तो रुद्राक्ष पहनने के बाद यदि आपके चार्ट में शनि अच्छे फल भी दे रहे हैं और नीलम पहनना चाहते हैं तो आप उस समय उसको धारण कर सकते हैं 3-4 महीने बाद। तो क्या करेगा, नीलम कार्यक्षेत्र में तो आपको सहायता करेगा, लेकिन शादी वाले घर में जो अकेलापन पैदा कर रहा था या चौथे घर को देख के जो अकेलापन पैदा कर रहा था उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये एक केस टू केस देखना पड़ता है, मैं तो कोई थंब रूल बता नहीं सकता हूँ कि आप किस प्रकार से पहनेंगे। तो
कई क्षेत्रों में जेमस्टोन्स को तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उचित परामर्श के साथ में, पिंस कौन से उंगली में पहनना है, कैसे पहनना है आदि आदि हम आपको समझा देते हैं जब आप ये कॉम्बिनेशन हमसे खरीदते हैं, लेते हैं हमसे। तो सवाल ये था कि क्रिस्टल के साथ में रुद्राक्ष को पहन सकते हैं क्या? नहीं। जेमस्टोन्स के साथ में रुद्राक्ष को पहन सकते हैं क्या? हाँ, केस टू केस बेसिस पे आपके चार्ट एनालाइज करने के बाद, अदरवाइज मत पहने। यदि आपके मन में कोई सवाल है इस प्रकार के आप मुझे पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल पूछिए, हो सकता है मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तब तक लाइक कर दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।